पिताम्बर धारी, बंसी बजैया, मोर मुकुट धारी, माखन चोर और गैया के चरैया, ऐसे कितने ही नाम है इस नटखट काना के। इन सभी नामों में छुपी है प्रकृति की अनोखी झलक, जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में समाहित है। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काना का जन्मदिन आता है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के मौके पर छोटी काशी के नाम से कहे जाने वाले जयपुर में एक ऐसी मान्यता है कि एक ही सूर्य में जयपुर के तीनों मंदिर में भगवान के तीनों विग्रह के दर्शन करने से भगवान कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं और इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं आगे की पूरी कहानी। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के प्रपोत्र ने अपनी दादी से भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में पूछा और कहा कि आपने तो भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे, उनका स्वरूप कैसा था? भगवान कृष्ण के स्वरूप को जानने के लिए उन्होंने जिस काले पत्थर पर कृष्ण स्नान करते थे उस पत्थर से तीन मूर्तियों का निर्माण किया। पहली मूर्ति में भगवान कृष्ण के मुखारविंद की छवि आई, जो आज जयपुर के गोविंदेव जी मंदिर में विराजमान है। दूसरी मूर्ति में भगवान कृष्ण के वृक्ष स्थल की छवि आई, जो जयपुर के ही जयलाल मुंशी के चौथे चौराहे पर स्थित गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान है। तीसरी मूर्ति में भगवान कृष्ण के चरणाविंद की छवि आई, जो आज करौली में भगवान मदन मोहन के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि एक ही सूर्य में तीनों विग्रहों के दर्शन करने से भगवान कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतिहासवाद और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र ब्रजनाभ ने ये तीनों विग्रह बनवाए थे। ब्रजनाभ ने इस विग्रह को मदन मोहन जी का नाम दिया। यह विग्रह करौली में विराजित है। ब्रजनाभ ने दूसरा विग्रह बनवाया, जिसे देखकर दादी ने कहा कि इसके वृक्ष स्थल और बाहु भगवान स्वरूप ही है। शरीर के दूसरे अवयव भगवान श्री कृष्ण से मेल नहीं खाते हैं। इस विग्रह को ब्रजनाभ ने भगवान श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप कहा। भगवान का यह स्वरूप पुरानी बस्ती में भव्य मंदिर में विराजित है। दादी के बताए हुए हुलिये के आधार पर तीसरा विग्रह बनवाया गया, तो उसे देखकर ब्रजनाभ की दादी के नेत्रों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसे देखकर दादी कह उठी कि भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक और अरविंद नयनों वाला सुंदर मुखारविंद ठीक ऐसा ही था। यह है जयपुर के राजा गोविंददेव जी। इतिहासवाद और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र ब्रजनाभ ने ये तीनों विग्रह बनवाए थे। जन्माष्टमी के मौके पर आज हम आपको घड़ी वाले श्री कृष्ण के दर्शन करवाने जा रहे हैं। छोटी काशी के नाम से भी कहे जाने वाले जयपुर शहर में भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा विग्रह है जो हाथ में घड़ी धारण करता है। मान्यता है कि यहाँ मौजूद विग्रह को भगवान श्री कृष्ण के ही प्रपोत्र ब्रजनाभ ने अपनी दादी के कहने पर बनवाया था। बाद में इसे वृंदावन से जयपुर लाया गया। आज श्रद्धालुओं के बीच जयपुर की पुरानी बस्ती स्थित मंदिर में ठाकुर जी के इस विग्रह को गोपीनाथ के रूप में पूजा जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण हाथ में घड़ी धारण करते हैं। मंदिर महंत ने बताया कि उनके दादाजी जब यहां सेवा कार्य करते थे तब एक पल से चलने वाली घड़ी ठाकुर जी को धारण कराई जाती थी। ये सही वक्त भी बताती थी। बताया जाता है कि आजादी से पहले यहाँ एक अंग्रेज आया था। उसका कहना था कि यदि ठाकुर जी में प्राण है तो ये घड़ी धड़कन से चलेगी। जब भगवान को घड़ी धारण कराई गई तो वो चलने लगी। काफी लंबे समय तक भगवान को ये घड़ी धारण भी कराई गई थी। हालांकि जब वो खराब हुई तो उसे सही करने के लिए कारीगर को दिया गया, लेकिन उसने इसे वापस नहीं दिया। उन्होंने बताया कि अभी भी भगवान को उसी घड़ी की प्रतिकृति के रूप में दूसरी घड़ी पहनाई जाती है। आगे गोपीनाथ जी मंदिर महंत सिद्धार्थ गोस्वामी ने बताया कि राजस्थान में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के चार विग्रह करौली के मदन मोहन जी, जयपुर के गोविंददेव जी, गोपीनाथ जी और राधा दामोदर को एक ही शिला से तैयार किया गया था। मान्यता के अनुसार कंस ने जिस शिला पर अपनी बहन के जन्मे बच्चों को मारा था, भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र व्रजनाभ ने उसके टुकड़े किए थे। इससे जो पहला विग्रह बना वो मदन मोहन जी का था। ये वर्तमान में करौली में है। इनके चरण ठाकुर जी से मिलते हैं।
दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी कहलाया। वर्तमान में ये जयपुर के पुरानी बस्ती में मौजूद है। इनके वृक्ष स्थल और भुजाए ठाकुर जी के समान है। तीसरा विग्रह गोविंद देव जी का बना, जिनका मुखारविंद ठाकुर जी से मेल खाता है। और आखिरी विग्रह राधा दामोदर बताया जाता है, जहाँ विग्रह में कमर का हिस्सा साक्षात प्रभु के जैसा है। गोपीनाथ जी की प्रतिमा यमुना किनारे वंशी घाट पर मिली थी। इसकी सेवा का जिम्मा मधु गोस्वामी को मिला था। 1659 तक उन्होंने वृंदावन में ही ठाकुर जी की सेवा की। जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने लगे, तब ठाकुर जी को लेकर छुपते छुपाते राधा कुंड और काम्यवान होते हुए 1775 में जयपुर लाया गया। गोपीनाथ जी पहले जोरावर सिंह गेट स्थित नेशनल आयुर्वेद कॉलेज के स्थान पर 17 साल तक विराजे और 1792 में उन्हें पुरानी बस्ती स्थित इस इमारत में लाया गया। इतिहासवाद और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र ब्रजनाभ ने यह तीनों विग्रह बनवाए थे। ब्रजनाभ ने इस विग्रह को मदन मोहन जी का नाम दिया। यह विग्रह करौली में विराजित है। सनातन धर्म में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं और विधि विधान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन को बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ मानते हैं। इस त्योहार को देवत्व, प्रेम और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। नमस्कार।